सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। वेदोक्त वाणी व्यवहार के इस कार्यक्रम में, इस स्वाध्याय में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना तथा अपने जीवन के प्रत्येक व्यवहार में उसका आचरण, उसको उतारना, उसको आत्मसात करना, उसको जीना, ये हम सब श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। अपना स्वकर्तव्य, अपना व्यवहार जितना हमारा परिपक्व होगा, जितना हम उसको दिव्यता से जीते हैं, हमारे जीवन और इस जगत में शुभ का आधान होता चला जाता है। अगर हमारा व्यवहार ठीक नहीं है, हमारा संस्कार ठीक नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए भी और इस संसार के लिए, घर परिवार के लिए हम दुखदायी हो जाते हैं, हम कष्ट देने वाले हो जाते हैं, हम समस्या बन जाते हैं। हमको समस्या नहीं, समाधान बनना है। हमको मेधा से, रितंभरा प्रज्ञा से, अपने विवेक वैराग्य से युक्त होकर के उच्च भाव चेतना में जीने का सदैव प्रयत्न करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, जिससे हम हर पल इस जीवन को सुगंधित, सुरभित, विलसित और विकसित जी पाए। और ऐसा कब संभव होगा? जब हम कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करेंगे। नित्य प्रति कम से कम एक मंत्र का स्वाध्याय तो अवश्य ही करना है। तो इस दृष्टि को हमको सदा बना करके रखना है। तो हम वाणी के विषय में चर्चा कर रहे हैं, मन के विषय में भी हमने चर्चा की है। आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 64वें सूक्त के प्रथम मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। वेद मंत्र पहले लिखता हूं मैं, फिर चर्चा करूंगा। ओम वृष्णे श्रद्धाय वृष्णे श्रद्धाय सुमखाय वेधसे नोधः सुवृत्तिम्
सुवृत्तिम प्रभरा मरुद्भ्यः। प्रभरा मरुद्भ्यः अपोनधीरो अपो न धीरो मनसा सुहस्त्यो गिरहा। मनसा सुहस्त्यो सुहस्त्यो गिरहा। समंजे विदथे श्वाभुवः। समंजे विदथे श्वाभुवः। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 64वें सूक्त का प्रथम मंत्र है। ओम उवृष्णे शरधाय सुमखाय वेधसे नोधः सुवृक्तिम प्रभरा मरुद्भ्यः अपो न धीरो मनसा सुहस्त्यो गिरः समंजे विदथे श्वाभुवः। ओम उवृष्णे शरधाय सुमखाय वेधसे नोधः सुवृक्तिम प्रभरा मरुद्भ्यः अपो न धीरो मनसा सुहस्त्यो गिरः
समंजे विदथे श्वाभुवः। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। कहा कि हे नोधा, नोधा कहते हैं इंद्रिय नवक का धारण करने वाले, जो इंद्रिय नवक अर्थात पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, ये जो इंद्रियां हैं ये ऐसे तो पांच पांच हमको जो है कहलाती, पांच ज्ञानेन्द्रियां पांच कर्मेंद्रियां दस कहलाती हैं, क्योंकि जिह्वा दोनों ओर है, वो कर्मेंद्रिय भी है ज्ञानेन्द्रिय भी है, इसलिए नौ इंद्रिय का ही प्रसंग कभी कभी सुनने को मिलता है। ये जो रसना है, जो हमारी जिह्वा है, ये हमको ज्ञान भी कराती है और ये कर्म भी करती है, इसलिए एक कम हो गई तो, क्योंकि ये दोनों कार्य करती है इसलिए नौ इंद्रिय हो गई, तो इसलिए कहा कि नोधा अर्थात इन नव इंद्रियों को धारण करने वाले, तो उस प्रभु के लिए सुवृत्तिम उत्तमता से आवर्जित करने वाले स्तोत्र को प्रभर प्रकर्षेण संपादित कर। जो प्रभु वृष्णे सुखों की वृष्टि करने वाले हैं, श्रद्धाय जो शक्ति के पुंज हैं, स्ट्रेंथ पावर जो हमको शक्ति देते हैं, हमको सामर्थ्य देते हैं, हमको ऊर्जा से परिपूर्ण करते हैं, हमारी इंद्रियों को भी वही सामर्थ्य दे रहे हैं। सुमखाय सृष्टि रूप उत्तम यज्ञ को करने वाले हैं, वेद से विधाता है, सृष्टि निर्माता है, वो माता है, पिता है, वो पिताओं के भी पिता है, परम पिता है, जगत जननी है, वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, बुद्धियों को देने वाले हैं, बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करने वाले हैं। मरुद्भ्यः मरुतः प्राणाः, प्राणों का भी स्तवन कर, अथवा इन प्राणों के द्वारा तू अपने अंदर सुवृत्तिम उत्तमता से पाप वर्जन करने वाला हो, अर्थात जो इंद्रियों को धारण करने वाला है और वो वास्तव में परमपिता परमेश्वर तो कण कण में विद्यमान है, हर क्षण हर पल हमारे अंग संग है, वो अंदर भी है बाहर भी है, तदे जति तन्नै जति, तद दूरे तदवंत के तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाहिता, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर जो है फल फूल में है, कंदमूल में है, तू हर डाल में है, पत्ते में है, ये पत्ता तेरी सत्ता का, तेरी व्यवस्था का बखान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उस प्रभु की स्तुति प्रार्थना उपासना कर और प्राण साधना कर, साधक के लिए एक बात है, प्राण साधना कर, क्योंकि प्राण साधना करने से योग सिद्ध होता है, चित्त वृत्ति का निरोध होता है और जन्म जन्मांतरों के जो पाप हैं, जो हमारे कुसंस्कार हैं, वो भी धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं, कुसंस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, वो पुनः पुनः हमको सताते नहीं हैं, हमारे जीवन को हम निर्मल बना पाते हैं, निर्बल नहीं, निर्मल सबल, और जीवन पूरा हमारा सफल होता है, सक्सेसफुल होता है। इसलिए ये जो बातें इसमें कही है कि प्राण साधना करो, उत्तमता से प्रभु का गुणगान करो, जो शक्ति को देने वाले हैं,
सुमखाय सृष्टि रूप उत्तम यज्ञ को करने वाले हैं। और तू भी क्योंकि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो इस शरीर में कार्य कर रही है शक्ति, वही शक्ति इस सारे संसार में कार्य कर रही है। हमको आवश्यकता है कि हम अपने आप को साधें, प्राण साधना करें, योग विद्या को आत्मसात करें। और कहा है न जैसे धीरा धैर्यवान और ज्ञानी बन करके। यदि जीवन में धैर्य है तो व्यक्ति बड़े से बड़े संकट को भी झेल जाएगा, और व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं है तो वह सफलता हाथ में आते आते भी फिसल जाती है। व्यक्ति को विकास से युक्त जीवन जीना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक क्षण का अधैर्य हमको विनाश की ओर लेके चला जाता है, हम विकास से वंचित हो जाते हैं और जल्दबाजी में धैर्य न रख पाने के कारण योग्यता बहुत है, धन बहुत है, बल बहुत है, संसाधन बहुत हैं, कोई कमी नहीं है, ईश्वर का दिया हुआ, माता पिता का, बड़ों का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन कई व्यक्तियों को आप देखें धैर्य नहीं है, सब कुछ होते हुए भी धैर्य न होने के कारण वो दुखी रहते हैं और सबको दुखी करते हैं। जबकि धर्म का प्रथम लक्षण धैर्य है, जिनके जीवन में धैर्य है तो समझो कि वो सच्चे धार्मिक हैं, और जिनके जीवन में धैर्य नहीं है वो कितनी भी पूजा पाठ करें, कितना भी वो दिखावा करें कि हम बहुत धार्मिक हैं, वो धार्मिक नहीं हो सकते। क्योंकि धर्म का प्रथम लक्षण धृति कहा है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परखे चारी। धैर्यम यस्ते पिता क्षमा च जननी शांति चिरम गेहिनी सत्यम मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं हेते यस्ते कुटुम्बिनो वद सखे कस्माद् भयं योगिनः कस्माद् भयं योगिनः। संसार में सबसे बड़ा व्यक्ति वही है जिसके अंदर धैर्य है। और लोग कहते हैं कि धरती धैर्य से टिकी है, धैर्य सीखना है तो धरती से सीखो। तो जीवन में उत्तमता से हमको जीना है तो धैर्य आना चाहिए, धैर्य से हमारी वाणी का, धैर्य से हमारे मन का, धैर्य से हमारी इंद्रियों का व्यवहार होना चाहिए। सुवृत्तम उत्तमता से पाप वर्जन करने वाला हो और धीरा धीर वीर गंभीर हो, धैर्यवान और ज्ञानी बन करके सुहस्त्या उत्तम हाथों वाला होता हुआ अपह कर्मों को तू मनसा मन से धारण करे। उसी प्रकार विदथेशु ज्ञान यज्ञों में जो है आप हुआ सब विषयों में होने वाली अर्थात सब पदार्थ को देने वाली जो वेदवाणी है, जो कल्याणी है, उन वेदवाणियों को समझे मैं तुझे व्यक्त करता हूं। जितना जितना हम धीरता से युक्त होंगे, सुहस्त बन करके कर्म करेंगे, उतना उतना प्रभु हमको ज्ञान देने वाले होते हैं और उस ज्ञान का हम आधान करने वाले हों, ज्ञान का पान करने वाले हों, जीवन को महान बनाने वाले हों। हम जो इस वेदवाणी को पढ़ रहे हैं ये केवल पढ़ नहीं रहे, केवल सुन नहीं रहे, अपितु तदनुसार
जीवन को जीने का हमको प्रयत्न करना चाहिए। और परमात्मा उसका सामर्थ्य दे देते हैं जो व्यक्ति इसको जीने का पुरुषार्थ करता है, उसका कभी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। वेदवाणी का और अपने कर्मों का हम बहुत ही यशस्विता से पालन करें, वेदवाणी को हम आत्मसात करें। यदि ये वेदवाणी, ये जो गिरा है, ये ईश्वर की वाणी है, उसको अपनी वाणी बना लें। जैसा प्रभु का स्वभाव है वैसा अपना भाव और स्वभाव बना लें, अपना संस्कार बना लें। हम प्रभु के जीते जागते प्रतिरूप बन जाए, उसकी प्रतिमूर्ति बन जाए। हम धर्म के, स्वकर्म के, स्वकर्तव्य के, हम अपने जीवन को साक्षात वेद स्वरूप बना करके कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे व्यवहार में, हमारे संपूर्ण संस्कार में दिखाना चाहिए। हम उसको दूसरों को भी प्रेरित करें, जिएंगे अच्छा तो दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। इसलिए प्रभु का यह आदेश है, यह संदेश है कि जो मैं तुझे शक्ति देता हूं इसको तू अधिक से अधिक बढ़ा, और जितना पुरुषार्थ करेगा सुहस्त बन करके कर्म कर अच्छे, ये तेरे हाथ बुरे कर्मों में कभी न जाएं, ये तेरे हाथ सुहस्त बने, ये हाथ जो है दुरस्त न बने, ये गलत कार्य करने वाले न बने, गलत कामों में हाथ न डालें, ये उत्तम हो। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है, हे जान रूप भगवन हमको भी जान दे दो, करुणा की चार छींटे करुणा निधान दे दो, हे जान रूप भगवन। हम ऐसा काम करें, अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सकें हम, अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सकें हम, खुद आप कर सकें हम, इन बाजुओं में शक्ति हे शक्तिमान दे दो, करुणा की चार छींटे करुणा निधान दे दो। हम उस करुणा निधान से ही जान का आधान हमारे अंदर हो, ऐसी प्रार्थना करें। और क्योंकि कहा, हे प्रभु आनंद सिंधु जान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने, गत हमारी आयु हो प्रभु लोक के उपकार में, हाथ डाले ना कभी हम भूल कर अपकार में, हमारे हाथ कभी भूल करके भी हम सजग रहें, सावधान रहें, अधर्म से बचें, वेदोक्त कर्म करें, आत्म अनुकूल वेदानुकूल कर्म करें। तो बहुत सुंदर चर्चा चल रही है, आगे और हम चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम ले रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।